अगला तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा जो पॉइंट है इसमें प्रिज्म में दो पॉइंट पढ़े हमने, एक तो घनाभ पढ़ लिया और एक है घन। प्रिज्म का तीसरा प्रकार जो हमारे सिलेबस में रहता है उसमें बात करते हैं बेलन, और बेलन जो है उसको आप बेलन कहिए, इंग्लिश में बोलते हैं तो उसको सिलेंडर कहिए। बेलन या सिलेंडर की परिभाषा पर बात करते हैं, तो जैसे प्रिज्म में आपने डिसाइड किया था कि बेलन जो है वो आकृति रहेगी जो किस पर बनती है, आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। ठीक है, तो सबसे पहली परिभाषा कि वृत्ताकार आधार जो होता है उस वृत्ताकार आधार पर बनने वाला जो प्रिज्म है उसे अपन क्या कहते हैं भाई, बेलन कहते हैं। वृत्ताकार आधार पर बनने वाला जो प्रिज्म है उसे क्या कहा जाता है, बेलन कहा जाता है। तो जैसे ही आपने कहा कि भाई वृत्ताकार आधार पर बनने वाले प्रिज्म को बेलन कहते हैं, तो इसमें आधार वृत्ताकार रहेगा और टॉप भी क्या रहेगा उसका, वृत्ताकार। जैसे ये वृत्ताकार आधार है ऐसे ही इसका एक वृत्ताकार टॉप रहेगा और ये इसकी लंबवत उसकी ऊंचाई रहेगी। तो ये जो डिजाइन आपके सामने बनेगी इसको अपन क्या नाम देंगे, बेलन। और जब आधार वृत्ताकार है तो उसके आधार की एक फिक्स त्रिज्या होगी, जितनी आधार की त्रिज्या होगी उतनी इसके टॉप की भी त्रिज्या होगी और इसकी एक निश्चित ऊंचाई रहेगी एच। एक बात यहां पर समझ लें, कभी कभी इसकी ऊंचाई होती है तो कभी ऊंचाई की जगह इसको गहराई बोल देते हैं। ऊंचाई के लिए एच सिंबल यूज करते हैं, गहराई के लिए डी, कुआ है जमीन के अंदर है तो वो भी वृत्ताकार आधार पर बना हुआ ही प्रिज्म है, लेकिन उसके लिए हाइट ने बोलकर क्या बोलेंगे, डेप्थ बोलेंगे, उसकी गहराई, तो सिंबल डी यूज हो जाएगा। ऐसे ही तार होता है या कोई पाइप होता है, तो तार है या पाइप है तो उसकी ऊंचाई नहीं होकर क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई। तो सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना है, आप एच यूज कर सकते हैं, आप डी यूज कर सकते हैं, आप एल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी एक परिभाषा हो गई कि वृत्ताकार आधार पर बनने वाला जो प्रिज्म है उसको अपन क्या नाम देते हैं, बेलन, जिसकी एक निश्चित ऊंचाई या निश्चित गहराई या निश्चित लंबाई होती है, तीनों में से कोई सा भी सिंबल यूज हो सकता है। अब बात आती है सबसे पहले इसके आयतन की, तो इसका आयतन जो है वॉल्यूम, उसमें वही प्रिज्म का कंसेप्ट लगा दो। प्रिज्म का कंसेप्ट क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुणा उसकी ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, वृत्ताकार पाई आर स्क्वायर, गुणा उसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या है उसकी h, तो उसका आयतन हो गया है दोस्तों पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर ये आधार का क्षेत्रफल गुणा उसकी ऊंचाई h। इसका एक समझने का छोटा सा उदाहरण है, देखो हमारे अनाज भरने का ड्रम होता है, अब अनाज भरने का ड्रम होता है उसका आधार भी वृत्ताकार है, टॉप भी उसका वृत्ताकार है, एक निश्चित उसकी ऊंचाई है। अपन मान लीजिए एक गेहूं की बोरी लें और उसका मुंह उस ड्रम में खोल दें, तो क्या होगा, सबसे पहले दाने कहां बिखरेंगे, उसके फर्श पर बिखरेंगे, तो उतना एरिया कवर कर देंगे, कितना एरिया, पाई आर स्क्वायर। फिर उस पाई आर स्क्वायर एरिया के ऊपर क्या होंगे, लेयर बनती चली जाएंगी कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अप टू हाइट एच। तो वो मटेरियल जो उसमें भरा जा सकता है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच, आधार का क्षेत्रफल गुणा उसकी ऊंचाई, और वही उस ड्रम का क्या हो जाएगा, आयतन, उसमें भरा जा सकने वाला मटेरियल। समझ में आई मेरी बात, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, दूसरी बात होता है इसका एल एस ए, एल एस ए यानी इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है आधार का परिमाप गुणा उसकी ऊंचाई, तो आधार का परिमाप 2 पाई आर, आधार का परिमाप 2 पाई आर इंटू उसकी ऊंचाई h, आधार का परिमाप इंटू उसकी ऊंचाई h। इसको समझने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं, देखिए ये जो बेलन है इसको क्या करते हैं, यहां से काट देते हैं, जैसे कॉपी देना बड़ा कागज दे दो, एक रफ पेपर, ये जैसे हमारा बेलन है, ध्यान समझिएगा, इसी तरीके का है ना, इस तरीके की जो शेप होती है जिसका आधार कैसा है, वृत्ताकार, टॉप भी कैसा है, वृत्ताकार, ये बेलन यहां पे रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि इस बेलन को बीचों बीच काट दो, इस बेलन को क्या कर दो, यहां से बीचों बीच काट दो, बीच में से एकदम, यहां से बीच में से काट कर इसको खोल दो, तो बीच में से इसको काट कर खोलेंगे तो ऐसा ही तो खुलेगा,
और जब ये ऐसा खुलेगा तो इसमें देखिए ये क्या है, ये है इसके आधार का परिमाप, जो यहां बन जाएगी एक तरह से इसकी चौड़ाई, जिसकी साइज है 2πr। और ये खुलेगा तो जो h है वो h हाइट आ जाएगी ऐसी, और ये आयताकार रूप में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा शीट, और ये ऐसी जो शीट बन गई, इस शीट का एरिया ही तो LSA है, क्योंकि LSA में हम न तो टॉप को शामिल करते हैं और न उसके बॉटम को शामिल करते हैं। तो टॉप और बॉटम जब दोनों इंक्लूड नहीं होते हैं तब उसमें क्या बोला जाता है, उसको LSA। वो एक तरह से इस आयताकार शीट का क्षेत्रफल है, इसकी लंबाई गुणा इसकी चौड़ाई, तो 2πr into h, इसलिए कंसेप्ट बना कि आधार का परिमाप गुणा उसकी ऊंचाई। ठीक है, फिर हमने बात करी इसके TSA। TSA का मतलब क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आपने सीखा है कि आधार का जो क्षेत्रफल है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें बॉटम और टॉप का एरिया हम इंक्लूड कर देंगे। बॉटम कैसा है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका ये एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाला भी एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, तो ये इसमें ऐड कर देंगे 2πr2। तो 2πr तो क्या आ जाएगा, कॉमन, r यहां बचेगा, h यहां बचेगा, तो इस तरह से लिखा जाता है 2πr r प्लस h। ठीक है, ये तीन बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो किससे रिलेटेड है, बेलन से। आगे और कुछ चीजें इसमें अपन ऐड करते हैं। देखो अगला जो कंसेप्ट है वो चौथा ऐड करते हैं। चौथे कंसेप्ट में देखिए क्या समझना है, चौथे कंसेप्ट में दोस्तों बात आती है किस चीज के बारे में, कि ये जो बेलनाकार अपना है, ये बेलनाकार एक ड्रम है, इस ड्रम में, इसमें बेलन में रखी जा सकने वाली, बेलन में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़, बेलन में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई। तो बेलन में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ रखनी है तो कैसे रखी जाएगी, बेलन में छड़ रखी जाएगी इस तरीके से फंसा देंगे, ऐसे रख देंगे, यही तो होगी ना। ये जो रखी जाएगी ये भी डायगोनली विकर्ण के रूप में रखी गई है, लेकिन इसमें ये क्या है, इसका h, और ये r इसकी त्रिज्या है, तो पूरा कितना हो गया 2r, यहां पर एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर इस विकर्ण के बारे में हमें बता देगी ना, क्योंकि ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जोड़कर उसका वर्गमूल लेंगे तो कर्ण आ जाएगा, तो इसमें हम कर देंगे अंडर रूट, बताइए दोस्तों, एच स्क्वायर प्लस 4r का होल स्क्वायर। 4r स्क्वायर कैसे, ये पूरा क्या है 2r, 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। ये आप याद रख सकते हैं, यहां से समझ में आ जाता है आराम से कि उस बेलन में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़, जो एक तरह से इस बेलन का क्या हो जाएगा, विकिरण कह सकते हैं आप। ठीक है, बेलन का विकिरण कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आप समझिए, एक एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि ये जो बेलन है, इस बेलन के पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ का मतलब इसको यहां से ऐसे काट दिया जाए, ऐसे यहां से इसको काट दिया जाए और ये वाला पार्ट इसमें से हटा दिया जाए आधा। ठीक है, तो इसमें रखी जा सकने वाली जो क्या है, छड़ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें रखी जा सकने वाली छड़ क्या होगी, इसमें रखी जा सकने वाली फिर छड़ ऐसे रखी जाएगी ना, यहां पे ये छड़, अगर ये ऐसे रखी जाती है तो ये भी पाइथागोरस से आनी है, लेकिन इसमें यहां 2r की जगह क्या यूज होगा, r, और ये क्या होगा, h, तो इस छड़ की लंबाई हो जाएगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r की जगह सिंगल r यूज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो हुए इसके अंदर बेलन या रखी जा सकने वाली छड़ से संबंधित जो पॉइंट पूछ सकता है, जो यूज होते हैं क्वेश्चन करने के लिए मेंसुरेशन में इस वाले पार्ट के अंदर। फिर अगला जो कंसेप्ट है इसमें उसको समझिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। देखिए, एक तो परिभाषा आपने कही कि वृत्ताकार आधार पर बनने वाला जो प्रिज्म है उसको अपन क्या नाम देते हैं, बेलन। इसी में एक चीज और समझनी है आपको, और वो ये समझनी है कि ये जो पॉइंट आपने डिस्कस किया, इस पॉइंट से आगे क्या होगा इसमें, कि एक आयत लेते हैं, एक पेज देना बेटा खाली,
तो इसमें एक आयत हम लेते हैं, एक आयताकार शीट लेते हैं, ध्यान समझना भाई, क्या लेते हैं, एक आयताकार शीट। आयताकार शीट जैसे अभी आपने एक चीज डिसाइड करी थी, देखो इसमें देखो हमने कहा था इस बेलन को हम ऐसे क्या करेंगे, काटेंगे, काटकर इसको खोल देंगे तो क्या बन जाएगी, आयत। अब ये जो आयताकार शीट बनी है हमारे पास, सपोज करिए ये एक आयत है, आयत ही ना, ये आयताकार शीट है इस तरह से। अब इस आयताकार शीट को वापस मोड़ेंगे हम, और इस मोड़ को क्या, मोड़कर इसको क्या करेंगे, बेलन बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये आयताकार शीट को मोड़कर अपन क्या करते हैं, उसके अंदर बेलन बनाते हैं। तो आयताकार शीट को जब मोड़कर बेलन बनाते हैं तो कैसे ये कन्वर्ट होता है बेलन में, समझना ध्यान से। ये एक आयताकार शीट है, ये इसकी क्या है, लंबाई, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई। आपको इसको मोड़कर बेलन बनाने के लिए दो चॉइस मिलती है। पहली चॉइस मिलती है कि इसको इस तरह से मोड़ दिया जाए, यूं, और इस तरह से मोड़कर आप कहेंगे कि लंबाई के अनुदिश एक बेलन बना है। देखिए मोड़ा गया है इसको चौड़ाई के अनुदिश, लेकिन बेलन बना है लंबाई के अनुदिश। शब्द समझ रहे हैं अपने को, कि मोड़ा गया है इसको चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ना इसकी, ये इसे मोड़ा गया है, और ये लंबाई के अनुदिश क्या बन गया है, बेलन बन गया है। तो जो आयताकार शीट है, देखिए समझिएगा, ये आयताकार शीट है, ये इस आयताकार शीट की क्या है, लंबाई, ये इस आयताकार शीट की क्या है, चौड़ाई। जब इस शीट को यहां से पकड़कर ऐसे मोड़ देते हैं हम, है ना, यहां से पकड़कर इसको ऐसे मोड़ देते हैं हम, इसको जब ऐसे मोड़ते हैं तो ये ऐसे शेप लेता है, और इस शेप में क्या होता है, जो इस शीट की क्या है, चौड़ाई, वो बन जाता है 2πr। समझ रहे ना, 2πr क्यों, क्योंकि इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ऐसे मोड़ने से देखिए ये किसका रूप ले लेगा, वृत्त का, तो ये क्या बन गया, आधार का परिमाप, जो क्या होता है, 2πr। यानी इसमें ये जो चौड़ाई है वो चौड़ाई तो क्या बन जाएगी, उसके आधार का परिमाप बन जाएगी, आधार का परिमाप बन जाएगी, जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है ना। और ये जो लंबाई है, ये लंबाई क्या बन जाएगी, उसकी हाइट बन जाएगी, किसकी, बेलन की। अगर चौड़ाई दे रखी है तो चौड़ाई क्या बन गया, उसका आधार का परिमाप, यानी 2πr बन गया, तो यहां से किसका माना जाएगा, आर का। और जो लंबाई है वो क्या बन गई, उसकी हाइट बन गई, वो क्या बन गई, उसकी हाइट बन गई। तो आपको आर भी मिल जाएगा यहां से, एच भी मिल जाएगा, और अगर आर और एच आ गया तो आप उसका आयतन भी बता सकते हैं, और उससे जुड़ी हुई कोई भी डिटेल आप बता सकते हैं, समझे। दूसरी चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस है कि यही आयताकार शीट है, शीट वही है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, लेकिन इस शीट को ऐसे मोड़ा जाए दोस्तों, इस तरह से, यूं, लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया और चौड़ाई के अनुदिश क्या बनाया गया, बेलन बनाया। तो जब इसको मोड़ने का स्टाइल ये होता है, इस तरीके से मोड़ते हैं, देखिए आप समझ रहे हैं ना ये बात, इस तरह से मोड़ते हैं, तो इस तरह से मोड़ेंगे तो जो इसकी लेंथ है ना, लंबाई पूरी कागज की, देखिए ये पूरी शीट की, ये किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से, बताओ क्या बन जाएगी, 2πr। तो जो यहां लंबाई थी वो हाइट बन रही थी, अब वही लंबाई जो है ना शीट की, वो क्या बन जाएगी, 2πr। तो यहां से किसका मान मिल जाएगा, r का, और जो इसकी ये चौड़ाई है वो क्या बन जाएगी, इसमें बताओ, उस बेलन की हाइट बन जाएगी। समझ गए क्या आप मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट चीज है, और इससे फिर वो जो बेलन बनेगा उसका हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, आयतन। समझना कैसे है? जब बोले इसको क्या बोलेगा, इसको क्वेश्चन बोलेगा कि चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा गया, किसके अनुदिश मोड़ा गया, चौड़ाई के अनुदिश, तो बेलन बना किसके अनुदिश, लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुसार मोड़ा गया तो बेलन बना किसके अकॉर्डिंग, चौड़ाई के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल मैं समझाऊं आपको, इसका एक उदाहरण लेते हैं, आपसे कहे कि ये एक आयताकार शीट है, इसकी चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है सपोज करिए 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको मोड़कर क्या बोलेगा आपको, इसको लंबाई के अनुदिश बेलन बनाया गया, लंबाई के अनुदिश बेलन
बनाया जाए, तो लंबाई के अनुदिश बेलन बनाया जाए तो उसका अपने को क्या चाहिए, आयतन चाहिए। क्या चाहिए उसका आयतन चाहिए अपने को। तो इस आयतन में हम क्या करेंगे, देखो इसकी ये जो चौड़ाई है ना, इसको लंबाई के अनुदिश बेलन बनाएंगे तो यो मोड़ा जाएगा ना, तो ये जो चौड़ाई है 22, ये तो क्या बन जाएगा 2πr, और जो इसकी लंबाई है 60 वो क्या बन जाएगा एच। अगर 2πr का मान 22 है तो r का मान कितना होगा 3.5, क्योंकि वृत्त का स्टैंडर्ड है कि जब त्रिज्या 7 होती है तो परिधि 44 होती है, परिधि यहां पर आधी है, 44 का आधा 22 है, तो रेडियस 7 का आधा 3.5 है, मौखिक याद है अपने को। उसके अलावा आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि 2 × 22/7 × r, इसको 22 के बराबर कर दीजिए, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए तो 7/2 करके हो जाएगा 3.5, ठीक है। और ये एच हो गया। अब अगर इसका आयतन चाहिए तो आप बनाइए पाई 22/7 r² में इसका स्क्वायर कर दीजिए 49/4 और इंटू क्या कर दीजिए बताइए, क्या करेंगे एच यानी 60, इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने से आपके पास उसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, ये समझना है, ठीक है। अगर इसको इस तरह से टर्न किया जाता तो 60 तो बन जाता 2πr और ये 22 बन जाता उसका एच, वो एक्सचेंज हो जाता, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट इसमें अपने को समझना होता है कि आयताकार शीट को मोड़कर बेलन कैसे बनाते हैं। ये तो है मोड़ने की बात। इसी में एक कंसेप्ट होता है कि आयताकार शीट को घुमाकर भी बेलन बनाया जाता है। आयताकार शीट को क्या करते हैं, घुमाकर बेलन बनाते हैं। दोस्तों अगर आयताकार शीट को घुमाकर बेलन बनाते हैं तो घुमाने का कंसेप्ट क्या है वो भी समझिए। देखिए इसमें तो हमने अभी क्या किया था, मोड़ा था, अब हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। घुमाने के लिए फिर से वही दो चॉइस होंगी। पहला समझते हैं कि ये हमारे पास एक पेज है, आयताकार है, इसको हम क्या करेंगे यहां से फिक्स कर देंगे एक जगह से, तो एक जगह से इसको कर देंगे फिक्स और इसके चारों तरफ इसको इस तरीके से अपने रोटेट करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, इसको मोड़ नहीं रहे हैं, घुमा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था क्या करते हैं हम, मोड़ते हैं, तो मोड़ते हैं तो इसको यही मोड़ देते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं इसको घुमा रहे हैं। तो आप समझिएगा ये मैंने इसकी लंबाई को फिक्स किया और ऐसे घुमाया, तो आप समझने की कोशिश करिएगा जो चौड़ाई है वो क्या बन रही है, चौड़ाई क्या बन रही है रेडियस, चौड़ाई क्या बन रही है इसके आधार की त्रिज्या, और इस शीट की लंबाई क्या बन रही है इसकी ऊंचाई, लंबाई क्या बन रही है इसकी ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अगर है कि हमारे पास ये एक आयताकार शीट है और इस आयताकार शीट को इसकी इस लंबाई को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं अपने फिक्स, और इसके चारों तरफ इसको रोटेट करते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं। तो इस तरीके से अगर इसको हम घुमाएंगे ना दोस्तों, तो ये शीट की जो क्या है चौड़ाई, वो शीट की चौड़ाई तो क्या बन जाएगी उसके आधार की त्रिज्या, उसके आधार की क्या बन जाएगी त्रिज्या, और ये जो इस शीट की लंबाई है वो लंबाई दोस्तों क्या बन जाएगी उसकी हाइट बन जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में आपको, ठीक है। इस तरीके से ये डिस्कस अपन करते हैं, आया क्या समझ में। इसी में अगर सोचिए कि यही आयताकार शीट है और इसकी चौड़ाई को क्या कर दिया जाए, इसको फिक्स कर दिया जाए और फिर इसको ऐसे घुमाया जाए, ठीक है। तो ऐसे घुमाया जाएगा ना, ये यो है और यहां से इसको फिक्स करके इसके चारों तरफ यहां से इस तरह से इसको क्या किया जाएगा, घुमाया जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे घुमाया जाएगा तो देखिए ये जो लंबाई है ये जितना ऊपर है उतना ही घूमते घूमते नीचे की तरफ जाएगा ना, ये उतना ही घूमते घूमते नीचे की तरफ जाएगा, तो इस तरह से ये रोटेशन करेगा तो ये क्या बन जाएगी एक तरह से रेडियस। तो यहां पर क्या हो जाएगी इसकी ये लंबाई जो है वो तो क्या बन जाएगी त्रिज्या, और जो ये चौड़ाई है वो शीट की चौड़ाई क्या बन जाएगी उसकी हाइट, ठीक है। ये दो पॉइंट आप जरूर समझिएगा और इन दोनों में इंपॉर्टेंट है ये जो आयताकार शीट को मोड़कर हम बेलन बनाते हैं। अगर थ्योरी समझते समझते हम कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाए ना, तो क्वेश्चन करते वक्त तो बहुत बार तो केवल वैल्यू रखनी पड़ती है उसके अंदर हमें, और कुछ नहीं करना पड़ता।
तो थ्योरी को अच्छे से समझ लो, फिर क्वेश्चन जब करेंगे तब उसके अंदर भी सारी चीजों को कवर कर लेंगे अपन। तो एक तो हो गया मोड़ना और एक हो गया आपके पास घुमाना, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं इसमें अपन। देखो ये जो 6 पॉइंट पढ़े अपन ने बेलन के, इसके बाद जो 7वां पॉइंट है उसमें चलते हैं। 7वें पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, देखिए कि एक हमारे पास बेलन है, उस बेलन का एलएसए जो होता है उसमें टॉप और बॉटम शामिल नहीं होते हैं। तो आप इसको यह समझिए कि रोलर होता है, उस रोलर का जो कंसेप्ट है वो आप समझिए। रोलर का कंसेप्ट क्या होता है, रोड बनाने के लिए जो रोलर यूज होता है आपका, उसका आगे वाला टायर देखा होगा आपने, उसका आगे वाला टायर किस तरीके का है, बेलन के जैसा ही है। वो टायर चलते जाता है और रोड बनती जाती है ना। तो जैसे आपने सर्कल पढ़ा था, उस वृत्त में हमने गाड़ी का जो पहिया है उसके बारे में बात डिस्कस करी थी कि गाड़ी का पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो गाड़ी कितनी आगे सरकती है, जितनी उस वृत्त की परिधि होती है। क्योंकि परिधि की परिभाषा होती है एक चक्कर में तय की गई दूरी को परिधि या परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर चक्करों की संख्या कैसे निकाली थी आप बताइए, पहिया जो था, उस पहिया जो है उसके द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या के लिए टोटल दूरी में किसका भाग दिया था, परिधि का। यह बात हमने डिस्कस करी थी जब अपने पास कोई वृत्ताकार पहिया होता है ना, कि वृत्ताकार पहिया जब चक्कर लगाता है तो जैसे गाड़ी का टायर एक चक्कर लगाएगा तो गाड़ी 2πr डिस्टेंस तय करेगी। तो आपसे पूछे कि 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे, तो 5 किलोमीटर पूरी दूरी को 2πr चक्करों के अंदर डिवाइड कर दो, बांट दो, और बांट देने के लिए भाग दो, बांटने के लिए भाग दोगे तो चक्करों की संख्या आ जाएगी। सेम लॉजिक है रोलर का कंसेप्ट, सेम लॉजिक क्यों है, रोलर का पहिया भी तो चक्कर ही लगाता है। जैसे ये रोड बनानी है, आप देखिए समझिएगा, ये अपने पास एक रोड है, इस रोड को बनाना है, ये रोलर का आगे वाला पहिया यहां है। अब क्या होगा, ये पहिया यहां से क्या लगाएगा दोस्तों, चक्कर लगाएगा। ये पहिया जैसे जैसे चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में देखो इतनी रोड बन गई, दूसरे चक्कर में फिर से इतनी बन गई, तीसरे चक्कर में फिर से इतनी बन गई, इस तरह से ये रोलर चक्कर लगाता जाएगा और ये जो रोड है आपकी ये बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी ना। और जब ये चक्कर लगाते लगाते इस रोड को कंप्लीट बना देगा तो कितने राउंड लगे, यही तो पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें राउंड ही एक तरह से उस रोलर के क्या हैं, चक्कर। तो इस रोलर के चक्करों की संख्या के लिए आप क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट लगाएंगे कि उसके द्वारा लगाए गए चक्करों की जो संख्या है अगर वो निकालनी होती है तो यहां पर दूरी तय नहीं करनी है, यहां पर आपको क्या करना है, रोड का एरिया कवर करना है। आपको रोड का क्या करना है, एरिया। जैसे ये जो आपके पास रोड है, ये पेपर एक तरह से, तो इसका इतना एरिया ही तो है, ये इतना एरिया आपको रोड से ढक देना है। तो इस एरिया में आप भाग दीजिए किसका, एलएसए का, एलएसए यानी वक्र पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है, 2πr। क्योंकि देखिए आप ध्यान दीजिए, ये कागज कहां लिपटा जा रहा है, ये जो रोड है ना, इस रोड को देखिए, ये रोलर है और ये जब इस तरह से एक चक्कर लगाता है तो ये रोलर एक चक्कर में कितनी रोड कवर करता है, कितना कवर करता है, जितना उसका एलएसए है ना, जितना उसका लेटरल सरफेस एरिया, जितना उसका ये वक्र पृष्ठ है उतना एरिया वो कवर कर रहा है। तो रोलर के द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या पूछ ली जाए तो उसके लिए आप उसका जो कंप्लीट एरिया जो आप रोलर रोड बना रहा है उस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के, उस क्षेत्रफल के अंदर उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या दीजिए, भाग दीजिए, तो उसके द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या आपको मिल जाएगी। जो पहिए का कंसेप्ट है सेम बेलन के अंदर वो रोलर का कंसेप्ट है, ठीक है। दूसरी बात एक और होती है कि आपसे कहा जाए कि ये एक बेलन है, ठीक है, इस बेलन में ध्यान सुनिएगा, ये एक बेलन है, इस बेलन में क्या करना है, एक रस्सी लेनी है और वो रस्सी इसके चारों तरफ लपेटनी है। आपको एक रस्सी लेनी है और वो रस्सी इस तरह से इसके चारों तरफ, एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड, इस तरीके से कंप्लीट इस रस्सी के सहारे इस बेलन को ढक देना है आपको इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कंप्लीट ढक देता है और रस्सी की मोटाई आपको दी गई है,
रस्सी की मोटाई, रस्सी फिक्स मोटाई की होती है, देखो इसके आटे लगाएंगे इस तरीके से राउंड पे राउंड पे राउंड, है ना, और एक राउंड में जैसे इतना सा कवर कर दिया, दूसरे राउंड में फिर कवर कर दिया, तीसरे राउंड में फिर कवर कर दिया, तो यहां से यहां तक पूरा रस्सी जब लपेट देते हैं तो उस रस्सी की लंबाई पूछता है आपसे, उस रस्सी क्या पूछता है, लंबाई, तो उस रस्सी की लंबाई। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि इस बेलन पर अगर रस्सी लपेटते हैं, ठीक है, बेलन पर रस्सी लपेटते हैं, उस रस्सी की मोटाई आपको दी जाएगी, ठीक है, रस्सी की मोटाई आपको दी जाए तो उसकी लंबाई कैसे कैलकुलेट होगी, रस्सी की लंबाई तो कैसे कैलकुलेट होगी, क्या कहता है लॉजिक, कि जितना इसका LSA है, जितना इसका क्या है LSA, देखिए यूं समझिए, ये शीट देख रहे हैं, ये ऐसे ही है ना बेलन, हाँ भाई ये बेलन ऐसे ही है ना, ये जो बेलन है इसके ऊपर रस्सी लपेटने की बात हो रही है ना, आप ढंग से ऑब्जर्व करिए, इस पेपर पर लाइनें बनी हुई हैं, ये एक तरह से रस्सी समझ लीजिए, इस पेपर पर जो लाइनें बनी हुई हैं वो रस्सी की मोटाई समझ लीजिए, जितनी इन दो लाइनों के बीच का गैप है ना वो क्या है, रस्सी की मोटाई है, देखिए जितना इन दो लाइनों के बीच का गैप है ये क्या है, रस्सी की मोटाई है, रस्सी क्या लगा रही है, राउंड फिर राउंड फिर राउंड, तो क्या कर रही है, जितना LSA है, चलो इसको काट देते हैं, इस बेलन को काट के ऐसे खोल देते हैं, तो रस्सी कहां होगी, देखिए कहां है वो लाइनें, इस तरीके से थी वो लाइनें, कहां है दिख रही है आपको, ठीक है, इस तरह से ही तो है मोटाई, तो इस कंप्लीट एरिया को इन मोटाइयों से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि जितना LSA है उतना ही एरिया रस्सी कवर करेगी, जितना LSA है उतना ही एरिया कौन कवर करेगा, रस्सी कवर करेगी, ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि रस्सी का जो एरिया है, रस्सी का कंप्लीट एरिया जो होगा, रस्सी का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना इस बेलन का क्या है, LSA, LSA जब भी लिखता हूं तो उसका क्या मतलब होता है, वक्र प्रश्न का क्षेत्रफल सूत्र बोलता है 2πRh, रस्सी का क्षेत्रफल क्या होता है, रस्सी की लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये LSA के बराबर है, इसलिए अगर लंबाई निकालनी है तो चौड़ाई का क्या दे दो, भाग, तो रस्सी की लंबाई निकालनी है तो उस LSA में उसकी चौड़ाई का दोस्तों क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, आगे मेरी बात सुनिए, ये तो है एक बात कि पूरा रस्सियों से इसको ढक देना है, इसका एक और बात समझना है, एक और बात यह है कि यही बेलन है इस तरह से, समझना, यही बेलन है इस तरह से, और आपसे कहे कि इस जगह से शुरू करते हुए, ध्यान सुनना भाई, इस जगह से, इस नीचे वाले पॉइंट से शुरू करते हुए चार राउंड, कितने फिक्स राउंड, चार राउंड, पांच राउंड, छह राउंड, ऐसे बताएगा, चार राउंड लगाते हुए और इसके चारों तरफ रस्सी लपेटते हुए, और वो रस्सी कहां, यहां पहुंचा दी जाती है, इस जगह पूरी तरह से कवर नहीं करना है जैसे इसमें करना है, ये बोलता है कि चार राउंड यानी फिक्स होने चाहिए राउंड, चार राउंड, पांच राउंड, चार या पांच राउंड इसके चारों तरफ लपेटते हुए रस्सी बांधते हैं, ठीक है, रस्सी अपन उसके चारों तरफ क्या करते हैं, बांधते हैं, तो रस्सी की न्यूनतम लंबाई चाहिए अपने को, तो अपने को रस्सी की दोस्तों क्या चाहिए, न्यूनतम लंबाई चाहिए, तो उस रस्सी की न्यूनतम लंबाई हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इस रस्सी की न्यूनतम लंबाई के लिए देखिए ध्यान से समझना इस बात को आप, ये तो इजी है क्योंकि ये तो कंप्लीट ढक दिया आपने, कंप्लीट लाइनों से ढक दिया है, इसमें फिक्स राउंड है कि चार ही राउंड लगाने हैं, तो एक राउंड में, बात को सुनना ध्यान से, इसका सीधा टेक्निक बता रहा हूं आपको मैं, उस टेक्निक को यूज करेंगे कि इसका जो एक राउंड है, एक राउंड लगाते हैं तो यूं लगता है ना, तो जितना इसका आधार का परिमाप है उतनी उस एक राउंड में लपेटी गई रस्सी की लंबाई होती है क्या, होती है, अगर राउंड पूरा यहां से बांधे, देखो आप वो तिरछा मत सोचिए उसको, आप तिरछा मत सोचिए, आप सीधा सोचिए, सीधा ऐसे सोचिए कि यहां से एक राउंड मिला दे वापस यहीं पर, पहले ऐसे सोचिए, पहले ऐसे सोचिए, वो तो मैं समझ रहा हूं आपकी बात कि सर वो तो चार राउंड तो ऐसे चलेगा ना, एक राउंड और फिर ऐसे दूसरा राउंड, सांप की तरह लपटेगा ऐसे, ठीक है, लेकिन समझने के लिए पहले ये समझिए कि यहीं से एक राउंड ऐसे है, तब तो 2πR ही होता है ना, कि जितना आधार का क्या है परिमाप, एक राउंड,
उतना ही दूसरा राउंड, उतना ही तीसरा राउंड, उतना ही चौथा राउंड, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने की एक टेक्निक है, एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि आप इसमें क्या करेंगे, पहला काम इसके आधार का क्या निकाल लेंगे, परिमाप। आधार का परिमाप निकाल लीजिए, यानी 2πr की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। क्या निकाल लीजिए, 2πr की वैल्यू निकाल लीजिए, समझ रहे भाई। और 2πr की जो वैल्यू आ गई, ध्यान सुनना, वो यहां से यहां तक बांधी हुई रस्सी की लंबाई हो गई। ऐसे खोल दिया इसको, ऐसा है ये रस्सी है यहां से लेकर यहां तक। देखो आप, जैसे राउंड लगेगा तो यही तो मिलेगा यहां आके, मिल गया ना, यही तो मिलेगा यहां आके। तो ये एक राउंड में है, ऐसे हमें कितने राउंड लगाने, चार। तो एक दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, और ये फिक्स हाइट है ही अपने पास, क्योंकि हमने इसको ऐसे खोल दिया है। तो ये क्या है, बेलन की ऊंचाई, और ये क्या है, 2πr। तो आपकी जो रस्सी होगी ना, वो इस तरह से लिपटी जाएगी, ऐसे ऐसे। तो इसकी एक टेक्निक है, क्या टेक्निक है सुनना, वो जो आप समझ गए ना, ये विकिरण है, ये करण समझ गए, जो आप कह रहे थे सर रस्सी ऐसे नहीं, रस्सी तो ऐसे तिरछी चलेगी ना, तो वो तिरछी किसमें चलेगी, ऐसे लिपटी जाएगी। अब तो समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ये ऐसे है कि जैसे यहां से है यों, ठीक है, फिर ये जो लाइन खींची है ये ऐसे है, फिर ये जो खींचा है ये वापस है, ऐसे है। अब आप देखो, जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वो रस्सी का लपेटना ही तो हो गया, ये वाली है रस्सी, ये वाली जो ऐसे तिरछी चल रही है, एक राउंड, फिर ये दूसरा राउंड, फिर ये तीसरा राउंड, फिर ये चौथा। ये तो मैंने लिया है समझाने के लिए, और एक्चुअल में रस्सी कैसे चल रही है, एक राउंड फिर दूसरा राउंड, ऐसे तो चल रहा है ना। देखो आप, ये देखो, ये एक राउंड यहां कंप्लीट हुआ, दूसरा देखो यहां से शुरू हो गया। इसलिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी करना होना तो ये जो 2πr है, इस 2πr को, इसकी ट्रिक है, इसको ट्रिक में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, कि इस 2πr को कितनी बार ले लो, चार बार। 2πr मतलब समझ गए ना, उसके आधार का परिमाप जो भी वैल्यू होता है, और यहां उसकी क्या ले लो, हाइट, और सीधा क्या निकाल दो, करण। तो ये आपके पास उसकी क्या आ जाएगी, रस्सी की लंबाई आ जाएगी जो चार राउंड में लिपटनी है। देखो कहां से शुरू हुआ गेम, रस्सी बांधते हैं, राउंड उसके फिक्स हैं, चार राउंड, पांच राउंड, जितने बोल रहा है, राउंड उसके फिक्स हैं। तो एक राउंड में आधार का जितना परिमाप है उतना कवर करता है। जो भी त्रिज्या दी जाए, जैसे मान लीजिए आपको कहा कि 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है तो 2πr का मान कितना हो गया, 22, 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू 3.5, तो 22 आ गया। तो आप 22 22 22 22 लिख दो कितनी बार, चार बार। 22 22 22 22 लिख दो कितनी बार, चार बार। चार है तो चार बार, पांच है तो पांच बार, छह राउंड है तो छह बार। और हाइट कर दो फिक्स, बेलन की हाइट, इसको लंब, इसको आधार लेकर ये कर्ण निकाल दो, क्योंकि ये सारे कर्ण ऐड हो गए एक तरह से, ठीक है ना, ये सारे कर्ण क्या हो गए, ऐड हो गए हैं, और ये इकट्ठा आ गया है, तो ये रस्सी की लंबाई आ जाएगी, उन राउंड में जितनी रस्सी आप बांधोगे उसकी टोटल लंबाई। ये टेक्निक इसकी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेवल इसका ढंग का है, ठीक है। ये रस्सी बांधना आसान है, इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आप लोगों को कैसे करें, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये तो रही इसकी बात। अब रस्सी लपेटने की बात हो गई, रोलर का कंसेप्ट हो गया, इसके बाद एक और कंसेप्ट अगला जो है इसमें, वो है खोखले बेलन का कंसेप्ट। खोखला बेलन है, उस खोखले बेलन की बात करते हैं। खोखले बेलन का मतलब क्या है, जैसे देखिए यूं है, सुनना भाई थोड़ा सा, ये एक बेलन है, इसके अंदर ये इसकी मोटाई है बेलन की, एक पाइप के जैसा है, ये किसके जैसा है, पाइप के जैसा है ना, ढक्कन नहीं है इसके, इधर भी ढक्कन नहीं है, उधर भी ढक्कन नहीं है। अगर खुला है तो भी बात करेंगे, और अगर पैक है तो भी बात करेंगे।
इसको बनाने में ये इस तरह से क्या हुआ है, एक मोटाई यूज हुई है इसको बनाने में, इस तरीके से एक मोटाई, किस जब पाइप भी बनाया तो प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक की मोटाई तो होती है ना, लकड़ी का है तो उसकी भी मोटाई है, लोहे का है तो उसके भी कोई ना कोई मोटाई है, और ये जो मोटाई है इसमें अंदर से खाली है, अंदर से खाली है, खोखला है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इसका आयतन। अगर इसका आयतन आपको चाहिए तो इस आयतन में आप क्या करेंगे, घनाब के अंदर मैंने बताया था कि बॉक्स अगर बना है तो बाहर वाले आयतन में से अंदर वाले आयतन को क्या कर देंगे, माइनस। तो वही इसमें करेंगे कि वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन मतलब बाहरी विमाओं का बाहर का आयतन माइनस कर देंगे किसका, अंदर का आयतन। बाहर के आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र वही था क्या, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच में देखिए अंदर की रेडियस अलग है इसकी, ध्यान दीजिए, और बाहर की रेडियस इसकी अलग है, क्योंकि वो मोटाई है वो रेडियस में यूज हो रही है। देखिए जैसे इसकी अंदर की रेडियस है यहां से लेकर यहां तक की, और इसकी बाहर की रेडियस है यहां से लेकर यहां तक की, सही है ना। इसी तरह से अगर ध्यान से सुनिएगा, पाई आर स्क्वायर अगर अंदर का आयतन लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं तो स्मॉल आर अंदर वाली रेडियस है, बाहर का आयतन लिखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच, बाहर की रेडियस कैपिटल आर ले रहा हूं, अंदर की मालूम हो तो इतना प्लस कर दो जितना मोटाई है बाहर की आ जाएगी, बाहर की मालूम हो तो इतना माइनस कर दो तो अंदर की आ जाएगी, ठीक है। हाइट यानी इसकी लंबाई है, अब देखिए इसकी लंबाई यहां से लेकर यहां तक की कुछ है, अब अगर ये दोनों तरफ से खुला है तब तो लंबाई न तो इधर बढ़ेगी न इधर बढ़ेगी, अगर खुला है तो, और अगर पैक है ढक्कन है तो, अगर यहां ढक्कन है समझ रहे हैं, अगर इस तरफ ढक्कन है तब लंबाई क्या होगी, इंक्रीज, और अगर इधर भी ढक्कन है तो इधर भी इंक्रीज होगी, यानी दोनों तरफ से अगर पैक है तो यह भी दो बार इंक्रीज होगी, एक तरफ से पैक है तो यह एक बार इंक्रीज होगी, क्वेश्चन बोलेगा, और अगर नहीं है खुला है खोखला पाइप दोनों तरफ से खुला है ओपन है तो फिर उसके लेंथ में कोई प्रकार का परिवर्तन हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हमारे इसमें काम आएगी, ये है खोखले बेलन का क्या निकालने की बात है, आयतन। लेकिन मैं एक चीज जो पूछूंगा इसमें आपसे वो ये है कि आप मुझे बताइए इसका TSA, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया वो एरिया होता है जिसको स्पर्श कर सकते हैं, इमेजिन कर, बाहर क्यों अंदर भी तो कर सकते हैं, अंदर हाथ देके भी तो घुमा सकते हैं, टच कर सकते हैं अंदर से भी तो, बताइए क्या इसको हम ऐसे अंदर से टच नहीं कर सकते हैं, खुला है इधर से खुला है उधर से, कर सकते हैं ना। तो अगर इसका TSA चाहिए तो देखो बाहर वाला एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच तो आयतन होता है, टू पाई आर एच बोलिए, तो इसमें बाहर वाला एरिया क्या हो जाएगा, टू पाई आर एच बाहर वाला हो गया, बाहर बाहर से हाथ घुमा सकते हो आप इस पे, एक अंदर ही अंदर कलर कर सकते हो तो वो हो जाएगा टू पाई आर एच, बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर, अंदर वाले की रेडियस स्मॉल आर, नहीं समझे क्या। देखिए ये पाइप है ना ऐसा ही तो है, ये वही चीज है खोखला, ठीक है। तो इसका अगर हम LSA लेते हैं TSA लेते हैं तो कैसे लेंगे, आपको इस पे कलर करना है, एक तो देखो आप स्पर्श यहां से कर सकते हो, बाहर से स्पर्श करोगे तो ये क्या है टू पाई आर एच, एक अंदर से भी तो स्पर्श कर सकते हो, अंदर से स्पर्श करोगे तो वो भी क्या है टू पाई आर एच, लेकिन रेडियस उसमें अंदर की काम आएगी ना। और रिंग, रिंग देखिए एक इधर ये वाला एरिया भी समझना है, ये वाला एरिया कैसा है, ऐसे एक वृत्त है जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर, इसके अंदर एक वृत्त है इसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर, इसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर, और ये एरिया चाहिए तो बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे ना, तो क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, इसको कितनी बार लेंगे दो बार, दो बार क्यों इधर वाला और इधर वाला, तो ये कंप्लीट हो जाएगा इसका TSA टोटल सरफेस एरिया। आइए कि मेरी बात समझे। इसके बाद अगला एक कंसेप्ट और है कि जैसे हमारे पास
एक बेलनाकार ये सॉलिड है। इस बेलन में से शंकु काटने की बात करते हैं हम, ध्यान सुनिए भाई, शंकु पढ़ेंगे आगे, तो इसमें ये शंकु इस तरीके से काटते हैं और ये शंकु काटकर यहां से इस शंकु को बाहर निकाल देते हैं। शंकु काटकर, अगर ये शंकु काटकर इसमें से बाहर निकाल देते हैं तो क्या होगा, बचे हुए बेलन में से, बेलन में से समान आधार तथा ऊंचाई का शंकु काटकर बाहर निकाल दें, ठीक है। समान आधार क्यों, सेम बेस है, सेम हाइट है, तो आप यहां से इसको हटा देंगे तो आयतन जो बचेगा वो तो वही हो जाएगा V2 माइनस V1। बेलन के आयतन में से किसका आयतन माइनस कर देंगे, शंकु का। अभी शंकु पढ़ाया नहीं है आपको, शंकु अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, तो उसमें शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, बेलन का आयतन होता है πr² h, उसके साथ 1/3 लग जाता है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πr² h, शंकु का होता है 1/3 πr² h, माइनस कर देंगे तो 2/3 πr² h बच जाएगा। आयतन तो हुआ माइनस, लेकिन एक छोटा सा लॉजिक है इसका, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में देखिए क्या होगा, ये आयतन जब यहां से ये शंकु आपने यहां से इसमें से हटा दिया, तो इमेजिन करिए थोड़ा कि जब आपने इसको यहां से दोस्तों हटा दिया तो अब आप इस पर हाथ कहां कहां लगा सकते हैं, हाथ एक तो बाहर से, बाहर से बेलन का 2πr h, बेलन का भाई आपने यहां अंदर से शंकु को निकाल लिया तो बाहर से तो है ही ना, और एक अंदर हाथ घुसा सकते हैं ना आप, तो अंदर ये जो है, अंदर ये जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया पूरे में होगा ना ऐसे, तो ये एरिया कंप्लीट एरिया जो आएगा ये क्या आएगा, शंकु का LSA, उसका सूत्र होता है πr l, शंकु का LSA होता है πr l, पढ़ाऊंगा आगे आपको। हाँ, त्रिक ऊंचाई क्या है बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, बहुत कंफ्यूजन होगा आपको जब त्रिक ऊंचाई को हम बात करेंगे, है ना, उस कंफ्यूजन को दूर करना ही हमारा काम है। हाँ ठीक है, ये हुआ, और उसके ऊपर का भी तो है, ऊपर का क्या हो जाएगा उसमें πr², ठीक है। ये इस तरीके से हम बेलन में से क्या काट सकते हैं, शंकु काट सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरी के पॉइंट हैं जो किस से संबंधित अपने को पता होने चाहिए, बेलन से संबंधित पता होने चाहिए, ठीक है, ओके।